हाँ सर, बस 5 मिनट में आपका ऑर्डर लेके आ रहा हूँ सर। हाँ बस सर, 5 मिनट में आ रहा हूँ सर मैं। हाँ सर, शराब पी के स्कूटी चला रहे हो, दिखाई नहीं देता, अंधे हो तुम। इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं थी तुम्हें। मैडम मैं तो अपनी साइड से आ रहा था, आप ही रॉन्ग साइड से आ रहे थे। तुम बताओगे मुझे कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट? आपने मुझे टक्कर मारी है, आपने मेरी स्कूटी भी तोड़ दी। तुम्हारी स्कूटी की कीमत ही क्या है? मेरा हजारों में खर्चा हुआ है, इतनी महंगी गाड़ी ठोक दी मेरी, कितना नुकसान कर दिया तुमने, तुम्हें भरना पड़ेगा। मैडम ये आगे से थोड़ा सा टूटा, ये सही हो जाएगा, मैं करवा दूंगा। मैडम इसमें ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, भले ही मेरे पास स्कूटी है लेकिन मुझे कार की नॉलेज आपसे ज्यादा है। बदतमीजी कर रहे हो तुम मुझसे। मैडम मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं आपसे जमा नहीं लड़ा रहा, मैं बस बता रहा हूँ। तुम जैसे गरीब ना जान पूछ के हम जैसे अमीरों की गाड़ी के सामने आते हैं ताकि तुम मरवर जाओ और हमसे पैसे ले सको, लेकिन अभी पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, बहुत नुकसान कर दिया तुमने मेरा। मैडम भले आप पुलिस को बुला लो, गलती सारी आपकी है, आप गलत साइड से आ रहे थे, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम बताओगे मुझे क्या सही है और क्या गलत? तुमसे ज्यादा जानती हूँ मैं, खुद गलती करके तुम मुझे छेड़ रहे हो। अभी बुलाऊं सारी पब्लिक को? मैडम मैं आपको कब छेड़ रहा हूँ? एक तो आप ही ने मुझे चांटा मार दिया, ऊपर से आप बोल रहे हो कि मैं आपको छेड़ रहा हूँ। सॉरी मैडम, सारी गलती आपकी है, आपको मुझे पैसे देने चाहिए, मेरी स्कूटी का आपने नुकसान कर दिया, मैं इसके कोई पैसे नहीं भर सकता मैडम, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, नुकसान करके जब पैसे भरने की बात आती है तो भागने की कोशिश करते हो। मैडम इसमें हजारों नहीं लगेंगे, आपने मेरी स्कूटी तोड़ दी, मुझे आपसे रुपए लेने चाहिए जबकि आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, लगता है मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, अभी बताती हूँ तुझे। कभी कभी लोग खुद गलती करके उन्हें गलती नहीं समझते, उन्हें लगता है कि वो लाइफ में कभी गलती नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे सबक सिखाऊं उसे? अरे हाँ, उसकी पिक ली थी ना मैंने, एक काम करती हूँ फेसबुक पे डाल देती हूँ और लिख देती हूँ कि मुझे छेड़ रहा था वो, लोग अपने आप उसको सबक सिखाएंगे। मेरा नाम साक्षी है, आज मॉर्निंग में घर से ऑफिस जाते वक्त एक लड़के ने मुझे मॉलेस्ट किया। पहले तो उसने मेरी कार को टक्कर मारी और जब मैं कार से उतर कर देखने गई तो वो मुझे छेड़ने लग गया, इधर उधर टच करने लग गया। रोड पर आसपास कोई था नहीं, मैं अकेली थी, मैं कर भी क्या सकती थी, मैं इनसिक्योर फील कर रही थी। फिर वो मुझे गंदी गंदी गालियां देने लग गया, वो मेरा रेप करना चाह रहा था। जब वो मुझे इधर उधर टच कर रहा था तभी मैंने उसकी एक पिक ले ली थी, वो पिक मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पिक को इतना शेयर करें कि उस लड़के को सजा मिल सके, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो आज मेरे साथ हुआ है वो कभी किसी लड़की के साथ ना हो। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं सोच रही थी मैं सुसाइड कर लूँ। अब तो लोग उसे सही सबक सिखाएंगे, मुझसे पंगा लिया था ना, अब तो वो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएगा, घर से बाहर निकलते उसे लोग जूतों से मारेंगे। सर आपका ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है भैया, दे दो। हाँ सर देता हूँ। अच्छा एक मिनट रुकना, तुम वही हो ना जो लड़कियों को छेड़ते हो, उनका हैरेसमेंट करते हो? नहीं नहीं सर। अकेली लड़कियों को देख के छेड़ते हो, मैंने आज पोस्ट देखी थी तुम्हारी, भाग जाओ यहाँ से, कोई सामान नहीं लेना तुमसे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी। सर आपका ऑर्डर आया है। अच्छा दे दो। अरे एक मिनट रुक, तू तो वही है ना जो आज फेसबुक पे बहुत छाया हुआ है, तेरी तो पोस्ट वायरल हो रही है, तू ये ना वो जो लड़कियों को छेड़ता है। नहीं नहीं सर, वो मैं नहीं हूँ, मैंने ऐसी हरकत नहीं की है। तेरे से कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, चल भग जा। सभी लोग
पता नहीं मुझे देख के क्यों गुस्सा कर रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अरे वाह, सभी लोग मुझे ही सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ही साइड ले रहे हैं। अच्छा हुआ कि मैंने ये पिक फेसबुक पे डाली और वायरल हो गई। अब तो वो सबक सीख ही गया होगा, मुझसे पंगा लेना ही नहीं चाहिए था उसे। अगर चुपचाप गाड़ी के पैसे दे भी देता तो मैं उसे छोड़ भी देती, इतना ड्रामा मैं करती ही नहीं। लेकिन वैसे भी इसमें मेरा ही फायदा हो रहा है। तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना इसकी खालू झड़ देता। मत कर, अब निकलो यहाँ से। के मार के भगाओ क्या? जाए ऐसे। मैडम की एक झूठ से मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है। जब भी घर के बाहर निकल रहा हूँ तो लोग मुझे बहुत बुरा बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है मैडम के झूठे पोस्ट ने। सोशल मीडिया पे लोगों ने बिना सच जाने उस झूठे न्यूज को सच मान लिया है। लोग भी उसे ही सच मान रहे हैं क्योंकि वो एक लड़की है। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस मैडम को मैं उसकी गलती का एहसास कराऊं, उसके झूठ का एहसास कराऊं। शायद मैं इससे एक अपराधी बन जाऊं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझ आ गया था कि मैं जो तरीका अपना रहा हूँ वो गलत है। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो उसके साथ भी गलत करना ठीक नहीं होता है, इसलिए मैं गलत काम नहीं करूँगा। अगर आज मैं चाहूँ ना तो ये तुम्हारे चेहरे फेंक के तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर सकता हूँ, तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे मेरी फैमिली ने अच्छे संस्कार दिए, इसलिए मैं ये काम करके अपराधी नहीं बनना चाहता। ये रोड तुम्हें दिख रही है, एकदम सुनसान है। अगर मैं चाहूँ ना तो आज तुम्हारे साथ वो सब कर सकता हूँ जो तुमने उस पोस्ट में लिखी थी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं। तुमने भले मेरी लाइफ खराब कर दी, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ खराब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली ने अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे सिखाया है कि हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन तुम ये बात कहाँ समझोगी? तुम्हारी एक पोस्ट की वजह से मेरी जॉब चली गई, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है, मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तुम्हें मालूम है, तुम जैसी कुछ लड़कियों की वजह से है ना बाकी लड़कियाँ बदनाम होती हैं, लोग उन्हें गलत समझते हैं। हमेशा सभी लड़कियों को गलत समझा जाता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से। मेरा तो मन कभी कभी करता है कि तुम जैसी लड़कियों को मार दूं, लेकिन मेरे घर वालों ने ये नहीं सिखाया है। मेरे घर वालों ने सिखाया है कि लड़कियों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तुम्हारी एक गलती की वजह से इनोसेंट लड़का है ना अपराधी बन जाता है। उस दिन सारी गलती तुम्हारी थी, लेकिन तुमने फिर भी झूठे आरोप मुझ पर लगा दिए। हर जगह मुझे ये सुनना पड़ रहा है कि मैं एक रेपिस्ट हूँ। मेरे फैमिली को सुनना पड़ रहा है, उनकी कितनी इंसल्ट हो रही है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे झूठे पोस्ट की वजह से। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा इन बातों से, मैं घर के बाहर निकल नहीं सकता हूँ। मोहल्ले वाले बोलते हैं रेपिस्ट आ गया, मेरी फैमिली को बाहर देखते ही ताने मारने शुरू कर देते हैं कि वो रेपिस्ट के माता पिता है, जबकि मैंने किया ही क्या है, गलती सारी तुम्हारी थी। सच ही तो बोला था मैंने। सॉरी, वो पोस्ट मैं आज ही डिलीट कर दूंगी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बस मजाक में डाल दिया था तुम्हें सबक सिखाने के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो वो पोस्ट डिलीट कर दोगी, लेकिन तुम्हारे उस पोस्ट की वजह से लोगों के दिलों में मेरे लिए नफरत है, मेरी फैमिली के लिए जो नफरत है वो कैसे बदलोगी? मुझे तो तुमने कहीं का नहीं छोड़ा ना, मेरा तो पूरा करियर तुमने खत्म कर दिया। मैं तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी लड़की होने का गलत फायदा मत उठाना। कभी भी किसी पे झूठे आरोप लगाओ तो 10 बार सोच लेना कि उसकी भी तो फैमिली है, वो क्या पता अपनी फैमिली का इकलौता हो, उनके लिए कमाता हो और तुम्हारी वजह से उसकी नौकरी चली जाए, तुम्हारी वजह से क्या पता कितनी जिंदगी खत्म हो जाए। इसलिए कभी भी कोई गलत कदम उठाने से पहले एक बार रुक के जरूर सोच लेना कि तुम्हारे एक झूठ की वजह से किसी की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। कुछ लड़कियां लड़कों पे झूठे इल्जाम लगा देते हैं, उन्हें अपराधी साबित कर देते हैं, जो कि गलत है। सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें सजा मिलनी चाहिए जो सच में अपराधी हो, जिन्होंने सच में गलती की हो, ऐसे लोगों को नहीं जो इनोसेंट हो, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, जो अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, बस उन्हें अपराधी ना बनाए। ये वीडियो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैसेज था वो हम सब के लिए एक सबक देती है। वो सबक ये है कि हम कभी कभी है ना लोगों पे झूठे आरोप लगा देते हैं, और हम जिस पे झूठे आरोप लगाते हैं उस झूठे आरोप से उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उसकी फैमिली की ज़िंदगी खराब हो जाती है, वो कहीं का नहीं रहता है, उसकी जॉब छूट जाती है। क्योंकि झूठे आरोप लगाने से क्या पता वो निर्दोष लड़का सच में अपराधी बन जाए, तो
तो इसलिए कभी भी आप किसी पे झूठे आरोप ना लगाएं। और साथ ही मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हम सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज़ देख के शेयर कर देते हैं, हम पहले चेक नहीं करते हैं कि वो न्यूज़ रियल है या फेक है, हम बिना सच जाने उसे शेयर कर देते हैं। तो कभी भी आप सभी के सामने कोई ऐसी न्यूज़ आए जो कि सच ना हो तो उसे शेयर ना करें, क्योंकि कभी कभी फेक न्यूज़ से उस इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो ऐसा ना करें, हमेशा आप ध्यान रखें और हमेशा सही न्यूज़ को शेयर करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों का शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपने सभी दोस्तों का शेयर करेंगे इस वीडियो को तो उन तक ये मैसेज जाएगा कि हमें झूठे आरोप कभी भी किसी पर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा हमको सच बोलना चाहिए। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को टैग करते हुए शेयर कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपने कभी किसी पे झूठे आरोप लगाए हैं या फिर आप पे कभी किसी ने झूठे आरोप लगाए हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।